आइए देख रहे एमएनएस न्यूज पर, देखते आज की सबसे बड़ी खबर। शुरू हुआ प्रचार, पसीना बहा रहे उम्मीदवार। विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा करने के पश्चात भंडारा, तुमसर एवं साकोली विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार 31 अक्टूबर को हो रहे चुनाव प्रचार अभियान के लिए निकल पड़े हैं। होने वाले चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। चुनाव प्रचार में प्रतिष्ठा बचाने का तनाव बड़े उम्मीदवारों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। साकोली सीट बनी हाई प्रोफाइल। पालक मंत्री डॉक्टर परिणय फुके मैदान में उतरने की वजह से साकोली सीट हाई प्रोफाइल बन चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देकर चर्चा में आए नाना पटोले अपनी परंपरागत सीट में व्यस्त रहने की रणनीति पर इन दिनों काम चल रहा है। वहां से कांग्रेस विधायक रहे सेवक वाघा और ढीवर समाज में लोकप्रिय डॉक्टर प्रकाश मालगावे को बसपा द्वारा टिकट देने से मुकाबला चतुष्कोणी बन चुका है। तुमसर में होगा त्रिकोणीय मुकाबला। सबसे रोचकता तुमसर विधानसभा क्षेत्र को लेकर है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप पटोले की साख दांव पर लगी हुई है। भाजपा संगठक पूरी ताकत दिखा रहा है। वहीं पूर्व जिला परिषद सदस्य राजू कारे मोरे के समर्थन में पहली बार राका एवं कांग्रेस संगठित नजर आ रही है। टिकट न मिलने पर पदाधिकारियों को निशाने पर लेने की रणनीति पूर्व विधायक चरण वाघमारे अपनाए हुए हैं। त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेसी रहे डॉक्टर पंकज कारीमोरे एवं जिला परिषद सदस्य के पंचबुधे ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।